मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जेनेटिक्स के अंदर अपने जो चैप्टर नंबर है 19 फर्स्ट ईयर के, उसका जो पॉइंट है वो आज पढ़ेंगे। राजस्थान में प्रजनन नीति और क्रियान्वयन कार्यक्रम। क्या? राजस्थान में प्रजनन नीति और क्रियान्वयन कार्यक्रम, ब्रीडिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इन राजस्थान। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या देखो, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में है भी राजस्थान में पशुपालन एक मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है, जो आपको पता है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका कुल शुद्ध घरेलू आय में लगभग 13% योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका कितना प्रतिशत योगदान है? 13%। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये आपको याद रखने होते हैं। मान लो सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का कितना % योगदान है, एग्रीकल्चर का कितना है, अलग अलग जितने भी अपने जो उत्पादन होता है जिनसे उनका अलग अलग होता है, तो आपका जो पशुपालन का है वो कितना है? 13%। 2003 की अस्थायी पशुगणना के अनुसार राजस्थान, तो देखो 2003 की अस्थायी गणना के अनुसार 108.53 लाख गोवंश है, और भैंसवंश कितनी है? 104.46 लाख। ठीक है, ये है 2003 की, और 2007 के अनुसार है 121 लाख, और भैंसवंश कितनी है? 111 लाख। अब एक बात बताओ, आप पर्सन वो सीधा नहीं देखकर आपको कंपैरिजन में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कंपैरिजन में भी 2003 की पशुगणना के अनुसार गोवंश था, भैंसवंश था, या ऐसे पूछ सकता है आपसे, कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ, उसमें ये पूछ सकता है कि 2003 की अकॉर्डिंग जो 2007 में है गोवंश में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने % की वृद्धि हुई है, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको आंकड़े दोनों याद रखने हैं, अब की बार वाले और पिछले वाले दोनों आपको साथ साथ कंपैरिजन करते हुए याद करने हैं। राज्य में देश का 6.6% भैंस गोवंश है, 6.6% का मतलब है भी अगर पूरे इंडिया के अंदर 100 गायें हैं तो उसमें से 6 गायें के लिए राजस्थान से, उसी तरह से 11.20% भैंसवंश। तो ये याद रखने वाला, राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 8.05 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन होता है, जो देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10% है। यानी कि अगर 100 किलो अगर दूध इंडिया में डेली मिल अगर उत्पादन होता है तो उसका 10 किलो कहाँ से होगा? ओनली राजस्थान से। आप 100 मानकर इसको समझो तो याद रह जाएगा। दुधारू और वाहक गोवंश की राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित कुछ नस्लें हैं। दुधारू का मतलब जो दूध देती है, वाहक का मतलब जो बोझा ढोने या वाहक के रूप में काम देती है अपने खेतों में हल जोतने के लिए या जो वजन ढोने के लिए काम आती है। कुछ नस्लों जैसे रट्ठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज, नागौरी, मालवी, हरियाणा का राज्य में गृह स्थान है, जो यह दर्शाता है कि राजस्थान में देश के अन्य भागों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता का पशुधन उपलब्ध है, तथापि अधिक उत्पादनता वाली शुद्ध नस्ल के देसी गोवंश की संख्या में कमी हो रही है। अभी कमी हो रही है, तभी तो ये सारी योजनाएँ पॉलिसी वगैरह चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि नस्लें तो है लेकिन उनमें क्या है, अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा और उनकी दूध उत्पादन में कमी आ रही है। एवर्गीकृत गोवंश, नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल, ये बताया था मैंने आपको। नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब है जो शुद्ध नस्ल नहीं है वो क्या है, नॉन डिस्क्रिप्ट के अंदर आती है। एवर्गीकृत गोवंश की उत्पादकता बहुत कम है, जिसमें तीव्र सुधार किए जाने की आवश्यकता है। देखो एवर्गीकृत, अब एवर्गीकृत नॉन डिस्क्रिप्ट है, उसका उत्पादन बनाने के लिए आपको पता है कौन सी अपग्रेडिंग पद्धति अपनाते हैं। तो यही आपकी समझ है भी, आपने क्या पढ़ा क्या समझा। अब वहाँ पे तरीके तो और बहुत हैं, क्रॉस भारी संकरण है, क्रॉस है, इनब्रीडिंग है, आउटब्रीडिंग है, रेखी है, भारी संकरण बहुत है, लेकिन यहाँ पे अगर एवर्गीकृत नॉन डिस्क्रिप्ट की उत्पादनता बढ़ाना है तो अपग्रेडिंग है वो माध्यम अपनाना पड़ता है। एवर्गीकृत गोवंश की उत्पादकता बहुत कम है, जिसमें तीव्र सुधार किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए राजस्थान में गोवंश और भैंसवंश की उत्पादकता बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। यानी कि राजस्थान में इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि जो नॉन डिस्क्रिप्ट है उनकी संख्या बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है तो उनमें दूध उत्पादन इतना है नहीं। यह केवल वैज्ञानिक प्रजनन से और ऐसी नीति से है जो कृषि जलवायु संबंधी दशाओं के अनुकूल हो, स्थानीय पशुपालकों की आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। अब है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइव स्टॉक डेवलपमेंट यानी पशुधन विकास के उद्देश्य, चयनात्मक प्रजनन क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उन्नयन अपग्रेडिंग, उन्नयन का मतलब है इम्प्रूवमेंट या अपग्रेडिंग। अब ये उन्नयन शब्द है, ये देखो पर्सन इस तरह से बनेंगे कि जो आपको पता है अपग्रेडिंग तो शब्द बार बार पढ़ रखा है, इसको या तो इम्प्रूवमेंट दे देंगे या उन्नयन दे देंगे। उन्नयन क्या है तो आपको समझना है, उन्नयन अपग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट सब एक ही चीज़ है, के माध्यम से प्रचलित देसी पशुधन नस्लों का अनुवांशिक सुधार व संकर प्रजनन के माध्यम से वर्गीकृत पशुधन को बदला जा सकता है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किससे होगा, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट अनुवांशिक सुधार कैसे होगा, एक तो होगा सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है, अब देखो ये टर्म अगर आपकी पहले पड़ी हुई है तो काम आ जाती है। सेलेक्टिव का मतलब है कि चयन करना, चयन का है कि आपने पास पशु है अच्छी नस्ल के, अच्छा दूध उत्पादन है, ब्रीडिंग वैल्यू अच्छी है, उनका आप चयन करोगे। चयन का मतलब है कि जैसे 10 पशु आपके पास है तो उनमें से फिर 2 का, 1 का, 3 का चयन करोगे, फिर आगे उसकी मेटिंग करोगे तो वो जो आगे संतति प्राप्त होगी उस संतति को जो उसकी ब्रीडिंग वैल्यू है, प्रजनन मूल्य है, वो अपने जनकों से बेहतर होगा। दूसरी एक विधि कौन सी है, उन्नयन। कौन सी है, उन्नयन अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग का मतलब है कि जैसे मान लो ए वर्गीकृत या नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है, उसका आप किसी जो अच्छी नस्ल का सांड है उसके साथ फर्स्ट टाइम मेटिंग करवाई, जो प्रथम पीढ़ी उत्पन्न हुई उसमें कुछ सुधार होगा, कुछ सुधार का मतलब 10-20% सुधार होगा। फिर जो आगे संतति है अगर मादा हुई तो फिर उसका जो बढ़िया नस्ल का सांड उससे क्रॉस करेंगे। इस तरह से करते करते कम से कम 3-4 पीढ़ी के बाद में क्या है, उसमें जो नॉन डिस्क्रिप्ट है वो डिस्क्रिप्ट की श्रेणी में आ जाएगी, या अपने कह रहे हैं भी वो जो नस्ल है उसकी शुद्ध हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने जो प्रूवन सांड के साथ क्रॉस करवा रहे हैं अच्छी नस्ल का है तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है, तो वो उन्नयन है। नेक्स्ट है स्वाभाविक सेवाओं के लिए उन्नत सांड है नर बछड़ों का पालन पोषण और वितरण, नेचुरल सर्विस के लिए किसका क्या किया जाए, उन्नत सांड ये आपको बताया हुआ है, और नर बछड़ों का पालन पोषण और वितरण ध्यान से करना चाहिए, नेचुरल ब्रीडिंग या नेचुरल सर्विस के लिए। तो उसका वितरण कैसे, जैसे गांव में मान लो 2 गांव पे एक गांव में कोई अच्छी नस्ल का सांड है उनके पास पोषण के लिए छोड़ दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन किया है हॉस्पिटल में किया होता है भी ये सांड है, ताकि उसको जो पालन पोषण की जो जिम्मेवारी है वो किसकी होती है, वो चिकित्सा विभाग की होती है। गाँव में किसी तरह की भी उसको कोई लॉस ना हो, किस तरह का उसको पालन पोषण हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, नेचुरल सर्विस के लिए वो जो प्रूवन सांड है या उन्नयन सांड है उसे नेचुरल सर्विस के लिए वो उपयोगी होता है गांव के लिए। आधुनिक प्रत्युत्पादन प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म प्रजनित करने के लिए अवसंरचना का विस्तार है, सुदृढ़ीकरण। आधुनिक विधियों या प्रौद्योगिकरण के द्वारा क्या है, जो जर्मप्लाज्म है निकट वीर्य यानी सीमन है उसके द्वारा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नस्ल का उत्पादन। नेक्स्ट है उत्कृष्ट देसी नस्लों का संरक्षण है, पशुपालन गौशालों सोसाइटियों का उन्नयन। आगे बेकार सांडों का बद्धीकरण, कास्टेशन, यानी कि जो बेकार सांड का मतलब है भी जो नॉन डिस्क्रिप्ट की श्रेणी में आ रहे हैं या जिसकी जो नस्ल है वो शुद्ध नहीं है, तो उस प्रकार के सांडों का क्या किया जाता है, कास्टेशन या बद्धीकरण किया जाता है। बाद में उनके स्थान पर क्रमबद्ध रीति से उन्नत सांडों का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब है कि जहाँ पे बेकार सांड का मतलब है जो सांड अच्छी नस्ल के नहीं है उनकी जगह अच्छी नस्ल के सांडों का प्रतिस्थापन का मतलब उनकी जगह वहाँ पर उनको अच्छी नस्ल के सांड को लाया जाता है। ये थे अपने पशुधन विकास के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव इन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, कि जो पशुधन की संख्या क्या है, क्या है पशुधन संख्या या लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। 2003 की पशुगणना अनुसार राजस्थान में 108.53 लाख गोवंश और 104.46 लाख भैंसवंश है, यह 2003 की। लेकिन अगर अपने बात करें 2007 की तो 7 में क्या है, जो गाय है वो तो 121 लाख और भैंसवंश है 111 लाख, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। राज्य में महत्वपूर्ण गोवंश नस्ल आपको पता है गिर, थारपारकर, हरियाणवी, राठी, नागौरी, हरियाणवी है, और भैंसवंश में मुर्रा और सूरती नस्ल है। अब है ब्रीडिंग पॉलिसी, प्रजनन नीति। गोवंश और भैंसवंश के लिए राज्य प्रजनन नीति 1998 में प्रख्यात स्थापित की गई थी, 1998 में।
तब से पशुधन सेक्टर में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं, इसलिए विद्यमान प्रजनन नीति को पुनर्रक्षित किया गया। पुनर्रक्षित प्रजनन नीति में उन्नयन और चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से जर्मप्लाज्म, देखो दो ही शब्द बार बार आ रहे हैं, कौन सा उन्नयन या ऐसे अपग्रेडिंग या ऐसे इम्प्रूवमेंट बोल दो, दूसरा सिलेक्शन ब्रीडिंग यानी कि चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से क्या है जो ये अपने भैंसों और गौवंश की देसी नस्ल है उनको संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट है गिर, हरियाणवी, मालवी, राठी, कांकरेज, नागौरी, थारपारकर की देसी नस्लों का चयनात्मक प्रजनन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहाँ ये पशु अपने स्वाभाविक रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि देखो अब जैसे राजस्थान के अलग अलग ज़िले हैं तो वो जलवायु और उस क्षेत्र की जो परिस्थिति के हिसाब से जो नस्ल जहाँ पे है वहाँ पे क्या सिलेक्शन ब्रीडिंग के द्वारा उनका उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट है उन्नयन ऐसे क्षेत्रों में किया जाना है जहाँ नस्ल के उन्नयन और निष्पादन के लिए उक्त नस्लों या प्रभेदों के पशु मुख्यतः उपलब्ध है। उन्नयन कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे उस नस्ल के जो प्राणी हैं ज़्यादा पाए जाते हैं या जो उस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुकूल है। नेक्स्ट है मांग पर संकर प्रजनन, शहरों और कस्बों के निकट क्षेत्रों में संकर प्रजनन का क्या मतलब होता है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि आप जो एक देसी नस्ल है उसका जो विदेशी नस्ल के साथ में क्रॉस करवा कर जो अपने ब्रीड तैयार करते हैं वो क्रॉस ब्रीड है हाइब्रिड। उपभोक्ता को विक्रय करके वसा के प्रतिशत का विचार के बिना लाभकारी मूल्य प्राप्त करते हैं। जहाँ कहीं भी विदेशी रक्त के साथ संकर प्रजनन अपनाया जाता है वहाँ विदेशी रक्त का रक्त स्तर 50 से 62% के बीच बनाए रखा जाना चाहिए। राज्य की जलवायु दिशाओं को ध्यान में रखते हुए इसे किसी भी दिशा में सीमा से नहीं। ये क्रॉस ब्रीड का एक प्रतिशत है, कितना 50 से 62%, इससे ज़्यादा जो विदेशी रक्त है वो नहीं होना चाहिए क्रॉस ब्रीड के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रजनन के लिए दो विदेशी नस्लों होलिस्टीन और जर्सी का उपयोग किया जाएगा, कौन सी, होलिस्टीन और जर्सी। नस्ल सुधार कार्यक्रम ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अधीन बेकार संड और बछड़ों का जिन्हें प्रजनन प्रयोजन के लिए नहीं पाला जाता अवश्य बद्धीकरण किया जाना चाहिए। जिनको क्या है प्रजनन के उद्देश्य से नहीं पाला जाता उनका क्या कर दिया जाता है, कास्टेशन या बद्धीकरण किया जाता है। बेकार संड और अवर्गीकृत नर बछड़ों को जो विहित आयु प्राप्त कर चुके हैं विहित नीति से बद्धीकरण किया जाएगा, बाद में उनके स्थान पर क्रमबद्ध रीति से घरेलू नस्ल के उन्नत सांडों का प्रतिस्थापन किया जाएगा यानी एज के हिसाब से उनका बद्धीकरण करके और उनके स्थान पर अच्छी नस्ल के सांडों का प्रतिस्थापन किया जाएगा। अब आप एक एग्जांपल समझो, मान लो कोई गाँव है उस गाँव में बेकार सांड है, बेकार सांड का मतलब ये होता है ये नहीं भी वो प्रजनन नहीं कर सकते मेटिंग नहीं कर सकते, बेकार सांड का मतलब है भी वो कोई अच्छी नस्ल का नहीं है। अच्छी नस्ल का मतलब अगर अच्छी नस्ल नहीं होगा सांड नहीं होगा तो आगे दूध उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जो नस्लें हैं वो मनी नहीं रहेगी, उनका उन्नयन नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, तो वो इसलिए बेकार सांड होते हैं। तो उनका बद्धीकरण करके उनके स्थान पर अच्छी नस्ल का सांड गांव में छोड़ दिया जाता है ताकि जो नेचुरल सर्विस है वो मिल सके गाँव के जो बछड़े बछड़ी है नर्स जो मादा है उनको। नेक्स्ट है गृह स्रोत की प्रचलित देसी नस्लों के परीक्षण एवं संवर्धन के लिए स्वाभाविक सेवा के लिए सांड रखने हेतु स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी इनसे आज्ञा प्राप्त की जाती है। गांव में अगर वह है तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ भी वो हॉस्पिटल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कायदा पालन पोषण पूरी उनकी देख रेख उनके संरक्षण में होगी। नेक्स्ट है यह अनुज्ञा इस बात का समाधान हो जाने पर दी जाएगी कि कोई सांड से उस क्षेत्र की पशुधन संख्या को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। वो आज्ञा तभी दी जाएगी कि जब जो सांड है वो गाँव में छोड़ा जा रहा है तो वो ऐसे ना हो भी तो पशुधन संख्या को प्रभावित नहीं करना चाहिए, इस तरह से उनको छोड़ा जाता है। तो अभी अपने जो पॉइंट पड़ा था राजस्थान में प्रजनन नीति या क्रियान्वयन कार्यक्रम, तो बेसिक सी बातें थी जिनमें कुछ पॉइंट थे वो आपको हमेशा याद रखने हैं। कंपटीशन के आधार पर भी राजस्थान में पशुधन में कैटल वंश कितना है, बफेलो वंश कितना है, 2003 में कितना था अब कितना है, ठीक है, कितने परसेंट शक्कर घरेलू उत्पाद में है, दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा भाग है, सॉरी स्थान है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आज पढ़ा, जो बच्चा पार्ट है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।